हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, जिसकी दो वीडियोस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट थर्ड और लास्ट पार्ट रहने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे सूत्री कोशिका विभाजन है, उसका महत्व क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट अर्धसूत्री विभाजन। इसमें दो है, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड है और अर्धसूत्री विभाजन सॉरी फर्स्ट है और सेकंड है। दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है, और इसके अलावा काफी सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन की पीडीएफ अवेलेबल है, तो वहां से भी आप इसको ज्वाइन करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। स्टडी स्किल सक्सेस नाम से आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व पढ़ लेते हैं। सबसे पहले महत्व क्या है? सबसे पहले तो ये सिर्फ केवल द्विगुणित जो कोशिकाएं हैं उनमें होता है, और इसके अलावा जो निम्न श्रेणी के पादप होते हैं या फिर सामाजिक कीट होते हैं उनमें भी, जो अगुणित कोशिकाएं हैं उनकी अगुणित कोशिकाएं हैं उनमें भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ द्विगुणित कोशिकाओं में ही होता है। सूत्री कोशिका विभाजन जो होता है वो केवल द्विगुणित कोशिकाओं में ही होता है, इसके अलावा किसी भी कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस विभाजन से बनने वाली जो द्विगुणित संतति कोशिकाएं हैं वो समान अनुवांशिक अवयव वाली होती हैं, और बहुकोशिक जीवधारियों की वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होती है। ठीक है, सबसे पहले तो जो अनुवांशिक जो कोशिकाएं हैं, संतति कोशिकाएं हैं, वो अनुवांशिक अवयव वाली होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बहुकोशिक जीवधारी है इनकी जो वृद्धि होती है बहुकोशिक जीवधारियों की, वो इसी सूत्री विभाजन के कारण ही होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज दी गई है कि सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान ये है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती रहती है। कोशिका की क्या होती है? मरम्मत होती रहती है, क्योंकि अधिचर्म की जो ऊपरी सतह की कोशिकाएं हैं, आहार नाल की भीतरी सतह की जो कोशिकाएं हैं, और रक्त की जो कोशिकाएं हैं, वो निरंतर क्या होता है? प्रतिस्थापित होती रहती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इस सूत्री विभाजन से कोशिका की क्या होती रहती है? मरम्मत होती रहती है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था वो हम पढ़ चुके हैं, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम छोड़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। ये थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, यही मेन है इस आज के टॉपिक में। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है। ध्यान रखिएगा, लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति का जो निर्माण होता है उसमें दो युग्मकों का संयोजन होता है, जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। ठीक है, अगुणित गुणसूत्रों का क्या होता है? एक समूह होता है। युग्मक का जो निर्माण होता है वो विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। युग्मक का निर्माण किससे होता है? एक द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। द्विगुणित कोशिकाओं से होता है, यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है, जिसके द्वारा बनने वाली जो अगुणित संतति है उसमें कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। दोबारा से पढ़िएगा कि लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में क्या होता है? दो युग्मकों का संयोजन होता है। ठीक है, जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है, इसमें दो युग्मकों का संयोजन होता है, और इसमें अगुणित गुणसूत्रों का एक क्या होता है? ग्रुप होता है। जो युग्मक का निर्माण होता है वो एक द्विगुणित कोशिका से होता है, और इस प्रकार की जो विशिष्ट कोशिका जो है वो यह विशिष्ट प्रकार का जो कोशिका विभाजन है, जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। ये जो पूरा आपको मैंने समझाया ना कि दो युग्मक होते हैं जिसमें अगुणित गुणसूत्रों का ग्रुप होता है और इसका निर्माण एक द्विगुणित कोशिका से होता है, इस पूरे निर्माण में जो बनने वाली कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 1/2 यानी कि आधी रह जाती है। क्लियर हो गया? और इस पूरे प्रकार के विभाजन को हम क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। क्लियर? लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। ठीक है गाइस, कहाँ थे हम?
कि लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अधसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्थाएं उत्पन्न होती है और निषेचन द्वारा जो द्विगुणित अवस्थाएं हैं वो पुनः स्थापित हो जाती हैं। पादपों और प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पूछ सकते हैं पादप और प्राणियों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो कब होता है? तो युग्मक जनन के दौरान, युग्मक जनन के दौरान पादपों और प्राणियों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो अगुणित युग्मक है वो उत्पन्न हो जाते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसकी अर्धसूत्री विभाजन की वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि केंद्रक और कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्कर संपन्न होते हैं, जिसे हम अर्धसूत्री वन और अर्धसूत्री सेकेंड बोलते हैं। इस विभाजन में जो डीएनए प्रतिकृति है, डीएनए जो रेप्लिकेशन है, उसका एक चक्कर पूर्ण होता है, सिर्फ एक चक्कर पूर्ण होता है। दूसरी विशेषता की बात करें तो एस अवस्था में जो पैतृक गुणसूत्र है उनके रेप्लिकेशन के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री वन अवस्था प्रारंभ हो जाती है। थर्ड की बात करें तो अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन में संजात गुणसूत्रों का युगलन और पुनर्योजन होता है। ठीक है, जो संजात गुणसूत्र होते हैं उनका युगलन व पुनर्योजन होता है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद से पहले बता दूं कि अर्धसूत्री विभाजन में के अंत में चार अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्था में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे पूर्वावस्था सेकेंड, मध्य अवस्था फर्स्ट, पश्चावस्था फर्स्ट, अंत्यावस्था फर्स्ट। ये अर्धसूत्री फर्स्ट है और सेम आपको अर्धसूत्री सेकेंड में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ अवस्थाएं हैं, इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन की फर्स्ट अवस्था को। फर्स्ट अवस्था में पूर्वावस्था फर्स्ट रहती है, तो अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए। जैसे हमने कल समसूत्री विभाजन पढ़ा था ना, उससे अगर इसकी तुलना की जाए तो ये काफी लंबी भी है और काफी जटिल भी है। ठीक है, और गुणसूत्रों के व्यवहार के लिए इसे पांच प्रवस्थाओं में बांटा जाता है। इसे अलग अलग नोट्स में लिख लीजिएगा। सबसे पहली आती है तनुपट यानी कि लेप्टोटीन, दूसरी आती है युग्मपट जाइगोटीन, स्थूलपट पैक्टीन, द्विपट यानी कि डिप्लोटीन, और लास्ट होती है पारगतिकरण यानी कि डाइकाइनेसिस। एक एक करके इनके बारे इन पांचों के बारे में जानते हैं। साधारण सूक्ष्म दर्शी द्वारा देखने पर जो तनुपट है यानी कि लिप्टोटीन है, उस अवस्था के दौरान जो गुणसूत्र है वो धीरे धीरे स्पष्ट हमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तनुपट में क्या होता है कि जो गुणसूत्र है वो धीरे धीरे स्पष्ट हमें दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्रों का सहन यानी कि कॉम्पैक्शन पूरी तरह तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके उपरांत जो पूर्वावस्था फर्स्ट का द्वितीय चरण जो है वो प्रारंभ होता है, जिसे हम युग्मपट कहते हैं। युग्मपट में क्या होता है? गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ होता है और इस प्रकार की संबद्धता को सूत्र युग्मन कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों का आपस में क्या होता है? युग्मन होता है। तनुपट में तो क्या होता है कि गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और गुणसूत्रों का कंपेक्शन पूरा इसी में होता है तनुपट में। ठीक है, कंपेक्शन पूरा तनुपट में होता है। और इसके अलावा युग्मपट आता है, दूसरा तनुपट हमने पढ़ लिया, युग्मपट आता है। तो युग्मपट में क्या होता है? आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है और इस युग्मन को हम सूत्र युग्मन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका युग्मपट आता है, युग्मपट पढ़ चुके हैं तो इसी को डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, जाइगोटीन को। इस प्रकार के गुणसूत्रों को के युग्म को समजात गुणसूत्र कहते हैं। इसमें जो गुणसूत्र के युग्म हमें देखने को मिलते हैं उन्हें हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म लेके यह दर्शाता है कि गुणसूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है। क्या होता है कि गुणसूत्र जो सूत्र युग्मन है उसके साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है और इस संरचना को हम सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र कहते हैं, जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित संजात गुण सूत्रों द्वारा होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे? सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना जो निर्माण होती है उसे सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र कहते हैं। इसके अलावा जिस जो सम्मिश्र है उसका निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित संजात गुण सूत्रों द्वारा होता है उसे हम युगली यानी कि बिवेलेंट या फिर चतुष्क टेट्राइड कहते हैं। और ये सारे जो है वो अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई देने पड़ते हैं, युग्मपट में ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिए पड़ते। क्लियर है। इसके अलावा पूर्वावस्थे फर्स्ट की जो उपयुक्त दोनों अवस्थाएं हैं स्थूलपट
अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के चार अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, जो पुनर्योजन ग्रंथिकाएं हैं वो दिखाई देने लगती है, जहां पर संजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है। क्लियर है? जो विनिमय दो संजात गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थ के आदान प्रदान के कारण होता है। ये किस कारण होता है, ये भी आपको नीचे स्पष्ट कर दिया गया है। जो विनिमय एंजाइम है उसके द्वारा नियंत्रित विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है, पर जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है उसे रिकॉम्बिनेज कहते हैं। ठीक है, विनिमय एंजाइम जो है उसके द्वारा नियंत्रित ये जो पूरी प्रक्रिया है, और इसमें जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे रिकॉम्बिनेज कहते हैं। क्लियर गाइस? इसके अलावा आपको कुछ और भी दिया गया है कि दो गुणसूत्रों में अनुवांशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। संजात गुणसूत्रों के बीच जो पुनर्योजन है वो स्थूलपट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। पूर्व अवस्था सेकंड, जैसे हम समसूत्री विभाजन कल पढ़ा था ना, सेम वैसे ही है। फर्स्ट में क्या होगा, ये जटिल संरचना होगी, सेकंड में ये संरचना अलग अलग हो जाएगी, और एक मध्य रेखा में, ठीक है, जो मध्य अवस्था जिसे पट्टिका बोलते हैं, उसमें आपको ये जॉइंट में दिखाई देगी, मतलब उस लाइन पे स्पष्ट हो जाएगी, और वो जो काइनेटो कोर है वो आपके ध्रुव से जुड़े रहेंगे। थर्ड में क्या होगा, ये पूरी अवस्थाएं जो है वो टूट के अलग हो जाएगी, यानी कि ये 8 है तो 8 की ये 16 हो जाएगी, और ये ध्रुव की ओर जाने लगेगी, ध्रुवों की ओर जो है वो गति करने लगेगी, और इनमें जो काइनेटो कोर है वो ध्रुवों की ओर रहेगा और इसकी पूंछ जो है वो पीछे रहेगी। फिर फोर्थ में क्या होगा, ये पूरी संरचना जो है वो अलग अलग हो जाएगी और कोशिका द्रव्य द्वारा घिर जाएगी। यही आपकी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में होने वाला है, और यही आपका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में होने वाला है। अब थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। द्विपट डिप्लोटीन को पढ़ लीजिएगा, इसमें स्नेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन होता है। युगली के संजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। इसके अलावा विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना होती है, जिसे काइजोमेटो कहते हैं। नेक्स्ट हमारा बचता है पारगतिकरण यानी कि डाइकाइनेसिस, अंतिम अवस्था। इसमें काइजोमेटो का उपांति भवन होता है, जिस यानी कि काइजोमेटो का अंत हो जाता है, गुणसूत्र पूर्णतया संघनित हो जाते हैं, तर्क तंतु एकत्रित होकर जो संजात गुणसूत्र है उनको अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। पारगतिकरण के अंत तक जो केंद्रिका है वो बिल्कुल गायब हो जाती है, और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाती है। तो ये रहता है आपका पारगतिकरण, इसका डिटेल में नोट्स बना के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, पूर्वावस्था फर्स्ट थी, और फर्स्ट के वो पांच जो है वो उपविभाजित किया गया था उनके बारे में था। अब हम पढ़ते हैं मध्यावस्था फर्स्ट के बारे में। जो युगली गुणसूत्र है वो मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जो विपरीत ध्रुवों के तर्क तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो संजात गुणसूत्र के जोड़ों की काइनेटिक कोर से चिपक जाती है। क्लियर? पश्चावस्था फर्स्ट में क्या होता है, संजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। जो इसमें संजात गुणसूत्र होंगे वो अलग हो जाएंगे, और जो संतति अर्ध गुणसूत्र है वो गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहेंगे। इसके अलावा लास्ट आती है अंत्यावस्था फर्स्ट। इस अवस्था में केंद्रक आवरण केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगती है। इसमें दो तीन चीजें हैं, केंद्रिका पूर्णतः स्पष्ट होने लगती है, कोशिका द्रव्य जो विभाजन है वो शुरू हो जाता है, कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्वीप कहते हैं। इसके अलावा दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को, दो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसकी बीच की अवस्था को अंतराल अवस्था कहते हैं, इंटरकाइनेसिस, और इसमें डीएनए का द्विगुण नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, डीएनए का द्विगुण नहीं होता। अब हमारा बचता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले और कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद ये प्रारंभ होता है। ठीक है, सूत्री कोशिका विभाजन की ये समान ही होता है जो हमने कल पढ़ी थी, ये आप देख सकते हैं, ये सेम ही होता है लगभग, ज्यादा डिफरेंस इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, तो पूर्वावस्था के अंत तक जो केंद्रक है, पूर्वावस्था सेकंड हमारा आ गया, उसके अंत तक जो केंद्रक है, केंद्रक आवरण है, वो बिल्कुल गायब हो जाता है, और गुणसूत्र पुण्य संघनित हो जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं गुणसूत्र पुण्य संघनित हो गए। मध्यावस्था सेकंड की अगर बात की जाए,
एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो इसमें मध्यावस्था सेकंड की अगर हम बात करें, मध्यावस्था सेकंड, तो गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं सेम, और जो विपरीत ध्रुवों की तर्क तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं हैं इनके संतति अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक रहती है। सेम मध्यावस्था फर्स्ट और सेम मध्यावस्था सेकंड, सूत्री विभाजन की भी मध्यावस्था इसके समान ही थी। इसके अलावा पश्चावस्था की बात करें तो इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनके जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं के छोटा होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ठीक है, सेम जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, थ्योरी है, पढ़ लीजिएगा। अंतरावस्था सेकंड, इसमें गुणसूत्रों के दो समूह पुण्य केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं और कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत चार अगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का टॉपिक, होपफुली अच्छे से समझ आया होगा। ये भी पढ़ लीजिए थोड़ा कि अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है, यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुवांशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती है और विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आज का टॉपिक था, होपफुली अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसके कुछ डाउट रहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियोस आगे भी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।